हेलो दोस्तों, तो हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं HSN को कैसे हम मल्टी आइटम में सेट कर सकते हैं। तो हम आज वो जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसी ही वीडियो जो कि आपको मिलती रहे। अगर आपको सॉफ्टवेयर बाय करना है या फिर आपको कोई कस्टमाइज करानी है तो आप हमारे 3 नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चलना है मास्टर में, इन्वेंटरी मास्टर और आइटम मास्टर। आप देखिए, जैसे हमारे पास ये वाला आइटम है तो हमको यहाँ पे F3 करके अपना आइटम मॉडिफाई करना है। यहाँ पे हम कुछ एक नया HSN बनाएंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे N प्रेस करना है। जैसे ही हम N प्रेस करेंगे उसके बाद F2, यहाँ पे हमने बना दिया 52 52, एंटर, 6% टैक्स, यहाँ से स्केप। ये देखिए हमारा ये वाला आ चुका है HSN, यहाँ से हम एंटर एंटर करेंगे। और मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे हजारों आइटम है, तो हम हजारों आइटम को ऐसे करते करते तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। हम हजारों आइटम को, लाखों आइटम का एक साथ HSN चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, तो आइए हम स्केप करेंगे। सबसे पहले चलेंगे हम रिपोर्ट पे, मैनेजमेंट रिपोर्ट, यूटिलिटी, मल्टी एडिटिंग, ये ऑप्शन देख रहे हो, टैक्स परसेंट एंड HSN वाले पे एंटर करेंगे। यहाँ पे एंटर करेंगे, एक बार फिर से एंटर करेंगे, एंटर 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 एंटर। अब यहां से जो भी HSN आपको सिलेक्ट करना है, जो सारे आइटम में आए आपका वही, आप उस पर अप एंड डाउन करके आइए और एंटर कीजिए। जैसे ही आप एंटर करोगे, ये देखिए आपने एंटर किया। अब यहां से आपको स्केप करना है, यहाँ पे बहुत सेल परचेज, एंटर एंटर, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। तो आइए अब हम देखेंगे कि हमारा जो हम HSN चेंज करने के लिए कर रहे थे वो हुआ या नहीं। कंट्रोल आई करने से हम आइटम लिस्ट में आ जाएंगे, यहाँ से हम अप एंड डाउन करेंगे। ये देखिए HSN आपको दूर, ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है, आपको HSN यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखिए, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये देखिए ये HSN है, ये आपको यहाँ पे देख सकते हो। आपको जरूरी नहीं कि आइटम के अंदर ही जाना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखिए हमारे जो और भी आइटम है हम उनको भी देखेंगे वो। ये देखिए हमारा अप एंड डाउन करके आएंगे, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरा कर्सर देख रहे हो आप, यहाँ पे आप एंटर 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 करके देख सकते हो। ऐसे ही आप भी चेंज कर सकते हो, अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आते तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।